किसी गेम को खेल के अपने मोबाइल डिवाइस में मजे आए या फिर ना आए, लेकिन जब भी सुनते हैं कि एक नया ओपन वर्ल्ड गेम रिलीज होने वाला है, सुन के तो यार मजे ही आ जाते हैं। हाँ, वो अलग बात है वो गेम चलेगा या फिर नहीं, उसका एक अलग पंगा निकल जाता है और दुख भी लगता है जब वो गेम हमारे डिवाइस में नहीं चलता है। लेकिन आपको क्या पता है कि आने वाले कुछ सालों में बहुत सारे ओपन वर्ल्ड गेम रिलीज होने को है, जिनमें से 5 गेम्स के बारे में आप इस वीडियो से जान पाओगे और कुछ गेम्स के रिलीज डेट भी कंफर्म हो चुके हैं। तो क्या पता अगर जब तक आप इस वीडियो को देख रहे हो वो गेम रिलीज भी हो चुका होगा और इस वीडियो को देखने के बाद उन सब गेम को डाउनलोड करके एंजॉय भी कर सकते हो। तो कौन कौन से गेम है उसे जानने के लिए वीडियो का आपको पूरा देखना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले कहीं भी आपके भाई का मेहनत पसंद आ जाता है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तो जो भी गेम के बारे में हम बताने वाले हैं उसे घुस के तो एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सिर्फ ऊपर ऊपर से बता देंगे ताकि आपका टाइम भी बच जाए और उन सब गेम के बारे में अच्छे से जान भी पाओ। तो इसलिए इसमें सबसे पहला गेम आता है जिसका थर्ड बीटा ऑलरेडी रिलीज हो चुका है US, कनाडा और फ्रांस में। तो अगर आप VPN यूज करके इस गेम को डाउनलोड करने की सोच रहे हो तो नहीं कर पाओगे। जिनको भी इनविटेशन मिला है वही गेम को एक्सेस कर पा रहे हैं, जिनको इनविटेशन नहीं मिला है वो अब क्या कर पाएंगे? रजिस्ट्रेशन। जी हाँ, इसका प्ले स्टोर पे रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नेट इसका गेम है इंडिया में तो रिलीज होने से रहा और रजिस्टर भी आपको करना होगा VPN यूज करके। गेम की ग्राफिक्स भी काफी अच्छी है जिसका ऑन स्क्रीन भी आप ट्रेलर देख पा रहे हो, इससे भी थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग जाएगा कि गेम में आखिरकार हमें क्या करना है। और हाँ, वन सीमेन गेम का अभी तक रिलीज डेट को अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन जितना रूमर्स आ रहे हैं कि इस साल ये गेम रिलीज होता हुआ हम सबको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको होयोवर्स के गेम खेलना पसंद है, खासकर जेंसिन इंपैक्ट, तो ये गेम आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा, जिसका नाम है जेनलेस जोन जीरो या फिर ZZZ, जो एक अर्बन फैंटेसी एक्शन रोल प्लेइंग कैटेगरी का मोबाइल गेम होने वाला है। प्रॉपर स्टोरी लाइन के साथ आपको डिफरेंट कैरेक्टर्स भी मिलेंगे, उन्हें यूज करके आप जंप के एक्शन कर पाओगे। ऑब्वियसली होयोवर्स के गेम में कुछ हो या फिर ना हो स्टोरी लाइन जरूर होता है और उसमें एक्शन भरपूर दिया जाता है। तो ये जो ZZZ यानी जेनलेस जोन जीरो गेम मोबाइल, PC और कॉन्सोलों में भी रिलीज करने वाले हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन जो है ऑलरेडी प्ले स्टोर पे शुरू हो चुका है। तो अगर अभी फिलहाल आपको रजिस्टर करना है, देखना है कि आपके डिवाइस में ये सपोर्ट करता है कि नहीं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर से जाके रजिस्टर कर लेना। ऑब्वियसली अभी तक रिलीज डेट को तो अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन देखा जाए होयोवर्स का हिस्ट्री, जब भी प्ले स्टोर पे उनका गेम आता है उसके 1-2 महीने के अंदर ही उसे रिलीज कर देते हैं, तो शायद जेनलेस जोन जीरो के साथ भी ऐसा ही हो। तो इस लिस्ट में हमारा तीसरा गेम आता है प्रोजेक्ट मुगेन। ये भी जेनलेस जोन जीरो जैसा ही होगा। जी हाँ, ऑर्बन ओपन वर्ल्ड रोल प्लेइंग कैटेगरी का मोबाइल गेम, लेकिन नेट इसके तरफ से, और नेट इसका नाम सुनते ही आपको पता चल चुका होगा जब भी इस गेम का ग्लोबल रिलीज होगा इंडिया में तो रिलीज होने से रहा। लेकिन जेनलेस जोन जीरो से थोड़ा डिफरेंट होगा क्योंकि इसका ट्रेलर आप ऑन स्क्रीन देख पा रहे हो, जिसमें काफी सारे नए मैकेनिक्स को पहली बार किसी ओपन वर्ल्ड गेम में हम अपने मोबाइल डिवाइस में यूज कर पाएंगे, जिसमें से बेस्ट एग्जांपल बताऊं तो स्विंग करना। अगर आपने मार्वल स्पाइडरमैन का गेम प्ले वगैरह देखा है कॉन्सोलों में, तो इस गेम में आप उसी के जैसा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस ले पाओगे, वो भी गन्स को यूज करते हुए। इसमें भी आपको अलग अलग कैरेक्टर्स मिलेंगे, सभी को आप लेवल अप भी कर पाओगे, उनका एक प्रॉपर स्टोरी लाइन भी होगा। इस गेम को अनाउंस किया गया था पिछले साल अगस्त महीने में और उसके बाद से देखा जाए तो नए डिटेल्स इस गेम के बारे में निकल के नहीं आए हैं, तो ऑब्वियसली रिलीज डेट को भी अनाउंस नहीं किया। तो देखते हैं, हो सकता है कि इस साल के एंड में हमें कुछ डिटेल इस गेम के बारे में सुनने को मिल जाए। फिलहाल जब हम इस वीडियो को बना रहे हैं, सबसे हाइप मोबाइल गेम कौन सा है पता है? जी हाँ, पाल वर्ल्ड मोबाइल। जब से पैल वर्ल्ड या फिर पाल वर्ल्ड भी इसे बोल सकते हो PC और कॉन्सोलों के लिए रिलीज हुआ है, तब से लेके कुछ ना कुछ हम अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं कि मोबाइल डिवाइस में काश ये गेम खेलने को मिल जाता है तो कितना मजा आता। तो इसी गेम को लेके कुछ क्लोन्स के साथ साथ ऑफिशियल मोबाइल गेम भी आने वाला है, जिसे अभी फिलहाल अनाउंस तो नहीं किया गया है, लेकिन केल ऐप के साथ पॉकेट पेयर ऑलरेडी काम शुरू कर चुके हैं, जो एक कैजुअल हाइब्रिड टाइप का गेम होने वाला है। अब कैसा होगा, किस तरह से हम खेल पाएंगे, क्या ये गेम अच्छा होगा या फिर नहीं, ये तो हमें आगे जाके पता चल जाएगा, लेकिन अगर आपको अभी फिलहाल इसका बेस्ट अल्टरनेटिव चाहिए, कुछ दिनों में बहुत सारे गेम्स जो है रिलीज होने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहला गेम आता है एमिकिन, जो इसी महीने रिलीज होने को है, जिसके ऊपर ऑलरेडी हमने काफी सारे वीडियोस बना चुके हैं, टेंसेंट का अरोरिया और आखिर में अजुर प्रोमिलिया। अजुर प्रोमिलिया का कभी ग्लोबल रिलीज होगा या फिर नहीं, इसके ऊपर अभी क्वेश्चन मार्क है। और इस वीडियो का आखिरी ओपन वर्ल्ड गेम आता है वेदरिंग वेव्स।
जो क्रॉस प्लेटफॉर्म फीचर्स के साथ आएगा। ऑब्वियसली ओपन वर्ल्ड एक्शन आरपीजी कैटेगरी का तो होने ही वाला है, जिसमें आप काफी सारे कैरेक्टर्स को यूज कर पाओगे, जिसका प्रॉपर एक्शन सीक्वेंस जो है ऑन स्क्रीन भी आप देख पा रहे हो। प्रॉपर गेम का स्टोरी भी होगा कटसीन्स के साथ, जिसे खेल के हम सब बहुत ही ज्यादा एंजॉय करेंगे, जिसका प्री रजिस्ट्रेशन जो है प्ले स्टोर पे ऑलरेडी शुरू हो चुका है, जिसका लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। ऑब्वियसली गेम का काफी सारा बीटा भी रिलीज हुआ था, जिससे पता चलता है कि जब ये गेम ग्लोबल रिलीज होगा तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला है हमारे मोबाइल डिवाइसों में वेदरिंग वेव्स। और ऑफकोर्स इसी महीने रिलीज होने को है, और जब भी गेम रिलीज होगा उसका गेम प्ले सबसे पहले हम अपने चैनल पे डालने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए स्टे ट्यून रहना। तभी तक वीडियो पे टिके हुए हो तो पांचों गेम्स के बारे में आपको अच्छे से पता चल चुका होगा, तो मुझे आप लोग कमेंट करके जरूर बता के जाना इनमें से किस गेम के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो। ऑब्वियसली सभी गेम्स के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, खासकर प्रोजेक्ट मुगेन और जेनलेस जोन जीरो। तो कमेंट करते करते और तीन चार चीजें कर देना, जैसे कि वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिसमें आप ही का फायदा है। तो चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में फ्रेश एंड फाइन एपिसोड के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।